बिल्कुल बुरा हाल हुआ है। ये इंतज़ामिया को ज़रूर सोचना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया के लिए शर्म की बात है कि ये डिस्ट्रिक्ट है हटियाबाला डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट का ये हाल है। आप लोगों ने लास्ट टाइम जो है टूरिज़्म फेस्टिवल करवाया है, टूरिज़्म फेस्टिवल में आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ और ये जो नदी नाले हैं इसमें, ये जो रोड है पत्थरों से भरी हुई रोड है, इस पर आके अपना खाना हज़म करें, या ये जो गंदगी के जो ढेर लगे हुए हैं इन्हें देखे आप खुश हों। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 और मैं आ चुका हूँ नीचे शॉप पे। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई है, मैंने जाना था हटियाँ, साथ रेहान भी है, दोनों ने जाना था किसी काम से, लेकिन वो काम अभी तक हो नहीं पाया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ स्टार्ट है। बारिश रुकेगी तो ही फिर मज़ीद देखेंगे अगर जाना हुआ, वरना मुश्किल ही है। फिलहाल आप लोग देख सकते हो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। क्या आपका क्या नाम है? साथ। ये बारिश से भीग गए सारे, कुछ छाता वगैरह नहीं लेके आए? लेके आते हैं ना, आपको पता आजकल बारिशें हैं भाई। ये आप लोग देख सकते हो बच्चे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे, स्कूल से ना छुट्टी हुई है लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये बेचारे भीग गए। अभी आप इधर ही ठहरो ना, बारिश रुके फिर घर जाना वरना बीमार हो जाओगे। ठंड लग रही है जी। आए हम मैं क्या करा, बोलो आग बाला तो समझते हैं, लेकिन इधर ही खड़े हो, बारिश रुकेगी फिर जाना है घर, ऐसे नहीं जाना वरना बीमार हो जाओगे। जी कापियाँ भी सजी है ना, तो कैसा सिखाए सो ने? एक और बच्चा ये देखें आप कैसे भागते हुए आ रहे हैं। ओ गैस मार गया चाला रामला जुलियो, मारा जुलियो चाला जुलियो। देखे कैसा है जुलदन, हैं तू सिखा ले देखते हो? ऐसी आने दौड़िया हर दिन स्पीड है। बोलो बोलो मैं देखा तो सीखा सारे जल्दी लेकिन मैं आठ साल के दरमियान काम चली सही है। तो भाई झेलम वैली में मैं पहुंच चुका था और आके रीड फाउंडेशन में कॉलेज में गया रहा हूँ। थोड़ी बहुत टीचर से गपशप हुई है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ मैं, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और बारिश के अलावा अभी आप पीछे रोड का हाल देखें, इतना ज़्यादा कीचड़ हुआ हुआ है। और 7 साल पहले यहाँ पर मैं आया था, रोड की यही कंडीशन थी और अभी तो उससे भी ज़्यादा बुरी है ये। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैंने बाइक लाया, वो भी खुद अकेले लेके आया हूँ, पीछे रिहान अकेला था, उसे मैंने ऐसे ही पैदल लाया। पैदल चलने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है। और अभी रेहान को बाइक दिया मैंने कि तुम ले कर आओ ऐसा ऐसा, लेकिन यहाँ की रोड का कोई हाल नहीं है। सेवरेज लाइंस जो हैं वो ऐसे ही रोड में जा रही है, ये आप लोग देख सकती हो, पानी के ढेर लगे हुए हैं, नदी नाले यहाँ पर तमाम जो है वो ऐसे ही बह रहे हैं। सेवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, गंदगी गंदगी है पूरी रोड पे। और कहा जा रहा है कि जी काफ़ी ज़्यादा तंजीमें भी मंजूर हुई हैं इस हवाले से, लेकिन किसी ने भी प्रॉपर काम नहीं किया। तो ये मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ, और जो बच्चे हैं यहाँ के उन्हें कितनी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही हैं। मैं यहाँ से मैट्रिक भी मैंने यहीं से की है, FSC भी मैंने यहीं की है। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मुझे टीचर ने यही कहा था कि जब आप यहाँ से पास आउट हो जाएं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपने किसी भी पोस्ट पे जाएं, डॉक्टर बने इंजीनियर बने, लेकिन आपने अपने जो कॉलेज है उसे याद रखना है। तो इसी बेस पर मैं ये बात
कह रहा हूँ कि इस रोड का जो है बिल्कुल बुरा हाल हुआ हुआ है, ये इंतज़ामिया को ज़रूर सोचना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया के लिए शर्म की बात है कि ये डिस्ट्रिक्ट है हटिया बाला डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट का ये हाल है। आप लोगों ने लास्ट टाइम जो है टूरिज़्म फेस्टिवल करवाया है, टूरिज़्म फेस्टिवल में आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ और ये जो नदी नाले इसमें ये जो रोड है पत्थरों से भरी हुई रोड है, इस पर आके अपना खाना हजम करें, या ये जो गंदगी के जो ढेर लगे हुए हैं इन्हें देखे आप खुश हों लुफानंदोज़ हों, तो ये मैं समझता हूँ कि ये तंजीम जो हमारी इंतज़ामिया है इनके लिए शर्म का मुकाम है। ऐसे जल्द अज जल्द आप लोग एक्शन ले के, आधा किलोमीटर भी रोड नहीं है, सही है, आधा किलोमीटर भी रोड नहीं है, तो इस पर जल्द अज जल्द काम करवाएं ताकि रीड फाउंडेशन के जो जितने भी बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 2500 तादाद है बच्चों की और 100 प्लस टीचर्स हैं, उनके लिए भी आप आसानी पैदा करें। और इसके अलावा जो खान मोहल्ला है सारा, उसमें कम अज़ कम 2000-3000 लोग रह रहे हैं, 100 प्लस घर हैं, उनके लिए भी थोड़ी बहुत आसानी हो, क्योंकि यहाँ पर रोड का ये हाल है, बच्चों को गाड़ियाँ ऊपर तक छोड़ने नहीं आती, तमाम बच्चे जो हैं वो पैदल चल के जाते हैं, नीचे रोड में बच्चियाँ चल के जाती हैं, जो कि मैं समझता हूँ शर्म की बात है। तो आई होप इस पर इंतज़ामिया जल्द अज़ जल्द एक्शन लेगी। अभी मैं खुद सारा भीग चुका हूँ, मज़ीद मुझसे अभी बोला नहीं जा रहा, लेकिन अभी मैं चलता हूँ थोड़ा बहुत नीचे और वहीं से जा कर मज़ीद व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये आप देख सकते हैं रोड का कितना बुरा हाल है और इस पर कितनी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है राइडिंग करते हुए, और काफ़ी ज़्यादा ये बुरी हालत है इस रोड की। मैं ये जा रहा हूँ कि इंतज़ामिया इस पर जल्द अज जल्द एक्शन ले ताकि ये रोड का कुछ हाल बेहतर हो सके। भाई एटीएम वाला से मैं आ चुका हूँ वापस, और ये यहाँ पर मैंने रख दी है ये बाइक कज़न के जो शाहिद साहब के ब्लॉक फैक्ट्री उसमें रख दी है, ये आप लोग देख सकते हो। और भाई बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, मेरा हाल देख सकते हो आप। फिर एक बार से मैं भीगा बिला बन चुका हूँ, और रेहान भी, रेहान तुम भी भीगे बिले बने हुए हो, बिल्कुल दोनों भीगे बिले बने हुए, और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इसके बावजूद मैं हटिया बाला गया रहा हूँ, कुछ काम थे, जो भी काम थे आप लोगों को वो पता चल जाए कि वैसे मैंने बता भी दिए कि जो हमारी रीड फाउंडेशन है उसकी जो रोड है उसका बहुत ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, बुरा हाल है, तो उसी के लिए कुछ फुटेजेस वगैरह हम लोगों ने लेनी है, और थोड़ा बहुत एहतजाज भी करना है कि उसकी फुटेजेस जो उस पर काम है बेसिकली होना चाहिए, क्योंकि रोड का वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है बच्चों को भी, हमें भी जाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मसला हुआ है। तो अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि बारिश थोड़ी हल्की होगी तो फिर मैं घर जाऊँगा, वैसे तो घर जाने नहीं है, बारिश बहुत तेज़ है। कुछ और मज़ीद यहाँ पर फुटेजेस मैंने ली हैं, तब तक आप वो देखो।